नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 1 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आगाज। पटना में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 4थे वर्षगांठ के इस संगत पंगत कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर चित्रगुप्त मंदिर नौजर घाट में इसकी शुरुआत की गई है, जहां पहले दिन भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के राज्यसभा सांसद रविन्द्र किशोर सिन्हा ने किया। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश करेंगे मोतिहारी दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिसंबर को मोतिहारी जिले के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ अरेराज अनुमंडल के आदर्श पंचायत पीपरा में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत हुए कामों का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही यहां हुए नवनिर्मित आईटी भवन और बुनियादी केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार पुलिस में निकाली गई बंपर बहाली। पुलिस में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार पुलिस ने पुलिस बीएमपी और पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए 1722 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होगा, जैसे कि इन पदों पर आवेदन भरने वालों को इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ आवेदकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों पर 30 दिसंबर तक आवेदन भर सकते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से मिलने लगेगा बढ़ा हुआ वेतन। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। पटना हाईकोर्ट ने सभी प्राइमरी शिक्षकों को राहत देते हुए यह ऐलान किया है कि नियोजित शिक्षकों की ट्रेनिंग खत्म होते ही सभी शिक्षकों को बढ़ाए गए वेतन के अनुसार वेतन मुहैया करवाने पर बिहार सरकार सोच विचार करे, जिसके बाद से बिहार सरकार ने इस मामले में गहनता से सोचने विचारने का निर्णय लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी नियोजित शिक्षक काफी खुश और संतुष्ट है। राजगीर जिले के वेणुवन में आप देख सकते हैं बहुत कुछ खास। वेणुवन बासो के वन में बसे वेणु विहार को उस समय के राजा बिंबसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। वेणुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। वेणुवन के ही परिसर में एक नव वेणुवन विहार का निर्माण कराया गया है और यहां एक विशाल बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। साथ में वैभव पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कई झरने, जहां सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। पुरुषों और महिलाओं के नहाने के लिए 22 कुंड बनाए गए हैं। इनमें ब्रह्मकुंड का पानी सबसे गर्म 45 डिग्री सेल्सियस होता है। पुरानी कलावाजियों के बारे में अब होगी पूरे विश्व में चर्चा। बिहार की पौराणिक कलाओं का वर्णन होना इस समय में किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी क्रम में चेतना समिति पटना ने 70 पेजों का कॉफी टेबल बुक तैयार किया है। आपको बता दें, इस समिति का अहम उद्देश्य दुनिया भर को मधुबनी पेंटिंग की खासियत से रूबरू कराना है, जिसका लोकार्पण जल्द से जल्द किया जाएगा। अब खेतों की मॉनिटरिंग होगी ड्रोन और रोबोट से। बिहार में अब तकनीकी तरीके से खेती शुरू हो गई है, जिसके तहत अब बिहार में खेती ड्रोन और रोबोट की मदद से की जाएगी। इस बाबत बिहार का पहला किसान सेंटर मोकामा में शुरू किया गया है, जहां पर 200 किसानों ने पहले ही रजिस्ट्री करवा ली है। इसके अलावा टाल फार्मर एसोसिएशन के करीब 2000 सदस्य भी इस किसान स्टेशन का हिस्सा बने जाएंगे। ज्ञात हो, इस किसान स्टेशन से टाल क्षेत्र की 10,000 एकड़ जमीन पर अब ड्रोन और रोबोट के माध्यम से किसानों की हर गतिविधियों, साथ ही साथ फसलों पर पैनी नजर रखी जाएगी। मिथिलांचल की बदल जाएगी तस्वीर। मिथिलांचल वासियों के लिए खुशखबरी। 40 सालों के बाद एक बार फिर से पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अंतिम चरण के साथ निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया था, जिसके पश्चात अब इसके निर्माण का काम शुरू हो गया है। ज्ञात हो, इस परियोजना के चालू हो जाने से मधुबनी एवं दरभंगा जिले में अब तक उपलब्ध सिंचाई सुविधा को 2,01,025 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2,34,800 हेक्टेयर करने का राज्य सरकार का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। परियोजना के चालू होने से मिथिलांचल के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होगी, साथ ही बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलेगा। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के दुनिया की ही एक और शख्सियत के बारे में। आज हम बात करेंगे सुशांत सिन्हा की। सुशांत सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 2 अगस्त 1984 में हुआ था। सुशांत ने अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक पढ़ाई पटना से ही की थी, जिसके पश्चात सुशांत ने अपने स्नातक की पढ़ाई इग्नू यूनिवर्सिटी से की थी। सुशांत सिन्हा एक एंकर, लेखक और पत्रकार है, जिन्होंने बेबाक होकर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को पुरजोर तरीके से जागृत किया है। अभी फिलहाल सुशांत इंडिया न्यूज में बतौर एंकर की तरह काम कर रहे हैं, जहां पर सुशांत प्रश्नकाल, सुनो इंडिया, जवाब तो देना ही होगा जैसे शोज को होस्ट करते हैं। बीपीएससी 2018 के रिजल्ट की हुई घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 30वीं न्यायिक सेवा परीक्षा के फाइनल परिणाम की घोषणा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कर दी है, जिसमें कि कुल 349 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। बीपीएससी ने सभी चयनित उम्मीदवारों की सूची अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। आपको बता दें, जारी किए गए परिणाम के अनुसार इस परीक्षा में पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा सिया श्रुति को सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
प्याज विक्रेताओं को हेलमेट में बेचने पड़ रहे हैं प्याज। विस्कोमान द्वारा लोगों को आधे दाम में प्याज मुहैया करवाने की मुहिम अब वहीं के कर्मियों को महंगी पड़ रही है, क्योंकि आधे दाम में प्याज खरीदने वालों की होड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आनन फानन में बहस करते नजर आ रहे हैं। लोगों के इसी गुस्से को देखते हुए विस्कोमान के अधिकारी हेलमेट पहनकर प्याज बेचने पर मजबूर हो गए हैं। पैक्स चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को खर्चने होंगे इतने पैसे। पैक्स चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। पैक्स निर्वाचन 2019 के तहत चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। साल 2014 के मुकाबले इस साल पैक्स चुनाव के दौरान खर्च होने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। पैक्स चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों को अब 5,000 के बजाय 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं पैक्स सदस्यों को अब 2,000 रुपए के बजाय 5,000 रुपए देने होंगे। डाकघर भर्ती के लिए निकाली गई 3,650 रिक्तियां। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। भारतीय डाक ने महाराष्ट्र सर्किल के लिए विभिन्न पदों पर ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और ग्राम डाक सेवा पद के लिए 3,650 पदों पर रिक्तियां निकाली है। पहले आवेदन भरने की तारीख 30 नवंबर थी, मगर विभाग ने आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ाते हुए अब 3 दिसंबर कर दिया है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश विषय अनिवार्य होगा। वहीं उम्मीदवारों को 10वीं तक स्थानीय भाषा पढ़ा होना भी अनिवार्य होगा। इच्छुक उम्मीदवार indiapost.gov.in या फिर apppost.in/gds-online पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। संजय मिश्रा को अटेंडेंट की सीट पर करना पड़ा सफर। अक्सर बॉलीवुड स्टार को विमान में सफर करते देखा गया है। बहुत ही कम ऐसे चर्चित लोग होते हैं जो विमान की जगह ट्रेन में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। हाल में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा ट्रेन के कंफर्म टिकट नहीं होने के कारण अटेंडेंट की सीट पर सफर करने पर मजबूर हो गए। संजय मिश्रा ने खुद अपने सफर की तस्वीर को सोशल मीडिया पर IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट को टैग करते हुए शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, समटाइम्स पैसेंजर समटाइम्स अटेंडेंट जस्ट एंजॉयिंग लाइफ का सफर और ऑप्शन भी क्या है। रघुवंश बाबू ने किया राजद और जदयू के विलय का दावा। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक हलचल की गूंज बिहार तक सुनाई देने लगी है। कम से कम अभी राजद के करीबी माने जाने वाले नेता रघुवंश प्रसाद के बातों से तो यही प्रतीत हो रहा है। अभी राजनीति में विपरीत दलों के मिलान का सिलसिला चालू है। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में होने का दावा रघुवंश प्रसाद ने किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सियासत में जल्द ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजद और जदयू नेताओं के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजद को भी जदयू के साथ मिलाप करने में कोई खास समस्या नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां एक बार फिर से साथ में आकर मैदान में खड़ी हो सकती हैं। सहरसा से सुपौल के बीच आज से चलने लगेंगी गाड़ियां। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सहरसा से सुपौल के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद से सहरसा वासियों का 3 साल का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। 1 दिसंबर यानी कि आज से यह ट्रेन रेलवे ट्रैक पर दौड़ती दिखाई देने लगेंगी। आपको बता दें, सहरसा से सुपौल के बीच चलाई जा रही इस ट्रेन का विस्तार बरुआरी से सुपौल तक किया गया है। इन लैब टेक्नीशियन की जल जा सकती है नौकरी। बिहार शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब डिस्टेंट मोड से पढ़ाई कर रहे लैब टेक्नीशियन की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार सभी डिस्टेंट लैब टेक्नीशियन को जल्द से जल्द उनकी सेवा से मुक्त किया जाएगा। कूच बिहार ट्रॉफी में बिहार के गेंदबाजों ने दिलाई जीत। बिहार ने कूच ट्रॉफी में मणिपुर की टीम को 39 रनों से हरा दिया है। खेले गए मैच में बिहार की तरफ से अमोद यादव ने अपने शानदार गेंदबाजी से मणिपुर की टीम को करारी मात दी है। आपको बता दें, अमोद यादव ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए हैं। वहीं बिहार ने दूसरे दिन मणिपुर को महज 57 रनों पर ऑल आउट कर दिया। हेरिटेज बिल्डिंग में जल्द किया जाएगा बदलाव। बिहार सरकार ने बिहार में मौजूदा पुराने इमारतों पर बिहार से जुड़ी कलाकृतियों को बनवाने का निर्देश दिया है, जिसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय से की गई है। अब मुख्य सचिवालय के अंदर का नजारा किसी म्यूजियम से कम नहीं लगता है। सरकार ने पूरे सचिवालय की रूपरेखा में जो बदलाव किया है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। इसी तरह से सरकार सभी पुराने इमारतों को सजाने की मुहिम में जुट गया है। उद्धव ठाकरे ने पास कर लिया फ्लोर टेस्ट। 2 विपरीत विचारधाराओं पर आश्रित महाराष्ट्र की नई सरकार ने फ्लोर टेस्ट का पड़ाव पास कर लिया है। वहीं जिसमें कि सरकार के पक्ष में 169 वोट उद्धव ठाकरे के पक्ष में पड़े, वहीं विपक्षी दल को एक भी वोट हासिल नहीं हुआ। वहीं फ्लोर टेस्ट साबित करने के दौरान 4 विधायक मौके से नदारद भी दिखे। वहीं फ्लोर टेस्ट साबित करने के दौरान सदन में मौजूद भाजपाई नेताओं ने वॉकआउट कर लिया। 2021 से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क होगा अनिवार्य। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सभी आभूषण कारोबारियों के लिए अहम निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से सभी स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्क 15 जनवरी 2020 से एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसके पश्चात सभी जौहरियों को बिना हॉलमार्क वाले पुराने आभूषणों को बेचने के लिए 1 साल की मोहलत दे दी गई है।
टी20 सीरीज से धवन हुए बाहर। भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने दोबारा टी20 टीम की घोषणा की है, जिसमें शिखर धवन के चोट के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, धवन को महाराष्ट्र के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए खेले जा रहे मैच के दौरान उनके बाएं घुटने में गहरी चोट लग गई थी, जिसके बाद से उन्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करने का सुझाव दिया गया था। वहीं विकेटकीपर संजू सैमसन को शिखर धवन के जगह पर टीम में शामिल किया गया है। अक्षरा सिंह की ब्लैकटॉप सेल्फी कर रही है ट्रेंड। भोजपुरी इंडस्ट्री की अदाकारा और गायिका अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव दिखाई देती हैं। इसी क्रम में अक्षरा सिंह ने हाल ही में अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें अक्षरा ब्लैक रंग के टॉप में नजर आ रही हैं। अपने फोटो को शेयर करते हुए अक्षरा ने लिखा है कि इट्स नॉट द एटीट्यूड, इट इज द वे आई एम। अक्षरा द्वारा शेयर किए गए इस फोटो को उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। इस गुलाबी ठंड के मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी दिखने लगेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,300 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,300 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,650 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.70 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.11 रुपए प्रति लीटर था। गिव अवे 4 और 5 के लिए पूछे गए सवाल का जवाब हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया, मगर हमारे द्वारा 5500 लाइक्स के क्राइटेरिया को पूरा करने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से हम गिव अवे 4 और 5 के विजेता के नाम की घोषणा नहीं कर पाएंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे अगले वीक को प्रसारित होने वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देकर नया और खास जीत सकते हैं, जिसके लिए डेली आप 25 खबरें सुनते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, बिहार में किसानों के उत्थान के लिए सरकार को क्या अहम कदम उठाने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, आज के सवाल के लिए किसी भी तरह का कोई गिव अवे नहीं है, मगर निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले वीक हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के साथ ही आपको कुछ नया और खास भी मिलेगा। इसी तरह अपना प्यार हमारी वीडियोस पर बनाए रखें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।